शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में यूएस, यूके, यूएई, जापान, सिंगापुर, इजराइल, साउथ कोरिया समेत अन्य देशों के राजदूतों से संवाद करेंगे, जिसमें साथ ही उनको इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री राजदूतों से आग्रह करेंगे कि वे अपने अपने देश के उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुरोध करें। इसके बाद मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को भारत के बड़े उद्योगपतियों से पुणे में मुलाकात कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने और मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के भोपाल और इंदौर में नई आईटी पार्क का विकास होगा। प्रदेश को खाद्य तेल उत्पादक बनाने की भी कार्य योजना है। नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे की निकटता वाले क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता का आकलन कर उन क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो खबर आपको बता रही है, जहां दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल दिल्ली कंटेंट रेंजर और एम्बेसडर्स से मुलाकात होगी, उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे और ये कोशिश करेंगे, ये न्योता देंगे कि बाहरी देशों के जो उद्योगपति हैं वो भारत में निवेश कर सकें। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी में इंदौर में तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात करने की कोशिश होगी, जहां पर ये भी कोशिश होगी कि बाहरी जो उद्योगपति हैं वो भारत में निवेश कर सके, मध्य प्रदेश में निवेश कर सके। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी के इंदौर में होगा, जिसमें दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली कंटेंट रेंजर और एम्बेसडर्स मीट में वो शामिल होंगे, कई एम्बेसडर्स और उद्योगपतियों से सीधी उनकी मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर अतुल पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल जी, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समिट मीट में शामिल होंगे और तमाम उद्योगपतियों को न्योता देंगे, इस मीटिंग को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या अधिक जानकारी? जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है, 7, 8 और 9 को अप्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे, इंदौर में ये पूरा आयोजन होगा। 10 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की संभावना है, और इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 तारीख की शाम को होगी। तो 3 दिन अप्रवासी सम्मेलन, इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और इस समिट में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे, और इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री दिल्ली आज पहुंच रहे हैं, और शाम को वो लगातार उद्योगपतियों से राउंड टेबल टॉक करेंगे। और इस बारे में मैं बता दूं कि आज जो बात होगी उसमें टेक्सटाइल एवं कपड़ा उत्पादन सेक्टर में निवेश के अवसरों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, और विभिन्न देशों के राजदूत और अधिकारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं। जो हमारे पास सूची आई है उसमें डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा एम्बेसडर है नेपाल के, जापान, ब्राजील, फिजी, हंगरी, चेक गणराज्य, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और फिनलैंड के राजदूत और वहाँ के वाणिज्य काउंसलर इस राउंड द टेबल शामिल बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसमें प्रतिभा सिंटेक्स है, सागर मैन्युफैक्चरर्स है, सागर मैन्युफैक्चरर्स के साथ गोकुल दास एक्सपोर्ट्स है, बेस्ट कॉर्प है, न्यूजीलैंड सीजनल वियर प्राइवेट लिमिटेड है, मैट्रिक्स है, ली एंड फंग है, और इसके अलावा लक्ष्मीनाथ कल्पना
मिल है, इन इस तरह की कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लगातार चर्चा करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री की पुणे में इन्वेस्टर मीट के संबंध में उद्योगपतियों से चर्चा होगी, तो इस इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री अब मैदान में आ गए हैं। वो विदेशों में भी जाएंगे, वहां भी उद्योगपतियों को इन्वाइट करेंगे, तो रेड कार्पेट मध्य प्रदेश की सरकार बिछाने जा रही है। और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हो सकती हैं, उनको किस तरह की रियायतें दी जा सकती हैं, इन सब मुद्दों पर आज उद्योगपतियों से और विभिन्न देशों के राजदूतों से, उनके प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। जी, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस इन्वेस्टर्स समिट मीट को लेकर के कोई पहले से ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बनाया गया है? ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब यह है कि कोई टारगेट यहाँ पर सेट किया रखा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए अभी तो इस बारे में लगातार चर्चाएं, विचार मंथन का सिलसिला शुरू हुआ है। कल ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक बैठक ली थी, तो पहले तो राज्य सरकार उद्योगपतियों की विभिन्न देशों के राजदूतों और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी, उनकी नब्ज टटोल लेगी, और इसके बाद एक खाका तैयार किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और उसी के आधार पर टारगेट सेट किया जाएगा। अभी यदि टारगेट सेट कर लिया जाता है और उसका इन्वेस्टर मीट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसका आउटकम नहीं आता, तो सरकार की किरकिरी होती है। इसलिए सरकार लगातार अब बात करेगी उद्योगपतियों से, वो नब्ज टटोलेगी और एक सतही आंकड़ा तय किया जाएगा उद्योगपतियों से बात करके, उनकी संभावनाओं को देखकर, तो उसके आधार पर ही ये फाइनल ब्लूप्रिंट हमारे सामने आएगा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।